सुबह इस टाइम सुबह बज रहे 8:30। हमारे तरफ से सभी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मुर्गियों के लिए आज दिन रोटी मैंने ब्रिक ब्रिक कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और अब नहीं देते हैं मुर्गियों में ये रोटी। चलो बेटे आप देती है मुर्गियों को रोटी। क्यूट सा गुड़िया। और ये ना हमने फैन ले लिया है, तो इसको हम कहते हैं पंखा। तो ये फैन गाइस ले लिया है, अब ना हम रात को मतलब चला देते हैं, नींद बहुत अच्छी आती, मच्छर भी नहीं काटते, गर्मी भी नहीं लगती। और सुबह सुबह गाइस मैं अक्सर से मैं इतनी रोटी मुर्गियों में देता हूँ, क्योंकि मैं कहता हूँ सुबह वाले टाइम वो खा के फुल हो जाए तो उसी बार मुर्गियों को टेंशन नहीं होगा। तो अभी निकालते हैं, इनको देते हैं ये रोटी। ये वाला घर ना आज बन जाएगा तो इनके मजे हो जाएंगे, पैर टेंशन नहीं होगा। इधर ये भी छोटा नहीं है, बड़ा, लेकिन पैर मतलब मुर्गे ज्यादा हो गए। पानी शानी आपको देंगे, सही है ना? माशाल्लाह हमारे मुर्गे बहुत ज्यादा हो गए, देखे तकरीबन कोई 8-9 मुर्गे हैं। मेरा दिल करता है और मुर्गे लेके आओ, लेकिन ये फिलहाल इतने सही है क्योंकि अब बढ़ जाएंगे। अंडे भी ज्यादा मुर्गी दे रही है, अब वो दूसरी गाय मुर्गी देखते हैं कि कब मतलब छारे भी बैठती है। ये वाली नहीं गाय, ये छारे भी बैठेगी, बच्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ये गाय अभी रोटी खा रहे हैं, तो रोटी खाते तो सीधा इनको मैं देता हूँ पानी, तो ये भी प्लेट अंदर रख देता हूँ। और अब देखते हैं खरगोश वगैरह कब आते हैं। तो अभी सुबह सुबह मैं मिट्टी इकट्ठी करूंगा, मुर्गियों में मैंने पानी भी दे दिया, रोटी भी दे दी। सो अभी तक काम बिल्कुल नहीं हुआ, थोड़ा टाइम मतलब लग गया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैं सो गया था। तो लेकिन कोशिश करूंगा कि ये वाला काम आज कुछ भी हो जाए शाम तक मैं करूंगा कंप्लीट। अभी तक वहाँ पड़ा है, तो अभी मैं जाऊंगा मिट्टी उठा के आता हूँ। तो मिट्टी उठा के इधर मैं इकट्ठी करता हूँ, इतनी ज़्यादा आपको पता है मिट्टी नहीं डलेगी, 15-20 तक आई मेरे ख्याल डलेगी। वो मैं लेके आता हूँ, तो सीधा मैं भूसा मिक्स करके इसको डालता हूँ। तो ये तगारी पड़ी गाइस, इसमें पानी पड़ा, मिट्टी पड़ी है, ये इधर फेंकते हैं, तो उसी बार सूखी हुई मिट्टी लेके आते हैं। तो अपने गाइस मैं तगारी लेके जा रहा हूँ, पहले नहीं तगारी छोड़ के आता हूँ, तो उसी बार कोडर उठाऊंगा। दो हाथ है, तो एक में तगारी है, एक में मोबाइल है, तो सो जाते पहले मिट्टी के पास तगारी छोड़ के आता हूँ। तगारी आज मैंने इधर रख दी है, मैंने कोडर लेके आता हूँ, और उसी बार मैं आज कोशिश करूँगा जल्दी काम करूँगा, क्योंकि अब टाइम है कम, काम है ज़्यादा, तो उस वजह से मैं कहता हूँ कि ये वाला काम कंप्लीट हो जाए। सो गाइस वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताना, अगर वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये कीकड़ वाला पेड़ है गाइस, ये माशाल्लाह मैंने बांध दिया और अब बहुत अच्छा सेट हो गया है। तो इस कीकड़े पेड़ को गाइस मैं इस तरह करके बिल्कुल दीवार के नजदीक करूंगा, तो ये वाली जाए उस तरफ वाली वो बच जाए। ऐसे गाइस मैंने कोडर उठाई है ना, तो मुझे मतलब खेतों का काम याद आ रहा है। वहाँ मैं झोंपड़ी में रहता था ना, वहाँ खेतों का काम करता था, मुझे 600 रुपये दिहाड़ी देते थे। सुबह में तकरीबन 8 बजे जाता था और शाम को तकरीबन 5 बजे वापसी आता था, तो गोरी ने मेरा वेट करती थी। उस टाइम का सुनसान लगा हुआ है, मतलब तनाई छाई हुई चारों तरफ, आपको कुछ भी देखने में नहीं आएगा। तगारी में मिट्टी डालते हैं, और ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी से बिक जाएगी, क्योंकि इसमें ज़्यादा जमी हुई मिट्टी नहीं है ना, तो ये ज़्यादा जल्दी ना जल्दी गल जाएगी। तकरीबन मैं इसमें पानी डालूंगा 10-15 मिनट में ना, ये मिट्टी मुझे ऐसा लगता है सही हो जाएगी। तो तगारी आज मैंने फुल कर दी है, तो कोडर को इधर छोड़ते हैं, ये तगारी में छोड़ के आता हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी 12 तगारी मुझे उठानी है। इतनी मिट्टी इकट्ठी की है, तो अब मैं कोडर लेके आता हूँ, तकरीबन कोई 10-12 तगारी हो जाएगी, मैंने गिनती नहीं की है। तो अभी जल्दी जल्दी कोडर लेके आते हैं, तो उसी बार इसको मैं मिक्स करता हूँ, उसी बार भूसा मिक्स करके जल्दी काम करते हैं, वरना काम नहीं होगा मुझे पता है। आ जा, भाग के चलो, भाग के चलो। कोडर गाइस अपनी मंजिल पे पहुंच गई, ये देखें गाइस इसका चला बनाते हैं गाइस। तो उसी के बाद इसमें डालते हैं पानी, पानी डाल के 10-15 मिनट छोड़ते हैं, तो उसी के बाद ये हो जाएगी गिल्ली, तो पैर लेपाई कर देंगे। वैसे जो लेपाई करते हैं गाइस उसको ना 1-2 दिन भिगा के रख देते हैं, लेकिन हमारे आपको पता है कि जल्दी होती है कि आज काम हो जाए दूसरा दिन ना हो, तो उस वजह से सही होता है। बात वही होती है, ऐसे नहीं कि अभी मैं भिगा के लेपाई करूँगा तो अच्छी नहीं होगी, अच्छी हो जाएगी। दूसरी जो लेपाई करूँगा ना, वो गोरी को कहूँगा कि मुझे मारे से करके दे, तो ये ना अभी लेपाई मैं करूँगा हाथ से। सोना अभी चला मैंने अच्छे से बना दिया है, इसके ऊपर अब डालेंगे पानी। आपका गुमशुम हो देखने में नहीं आ रहा सारा दिन ऐसे। पानी छिड़क देता हूँ इस तरह साइडों में, तो ये सूखी हुई है, ये भी मसैलाब हो जाएगी। तो 5-10 मिनट में ये वाला काम मैं कहता हूँ हो जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम हो रहा है। एक एक ना सारी गाय ऊपर देंगे, क्योंकि हमारे बहन भाई कमेंट कर रहे थे कि ये ना घर मुर्गियों का छोटा है तो इसको बड़ा करें।
सर अपनी मिट्टी अच्छे से मतलब गिली हो गई, अब जल्दी जल्दी ईटे लेके आते हैं, उसी के बाद लेपाई करते हैं शुरू। तो आज सीमेंट से नहीं, एक और सर जो ऊपर दूंगा ना, एक और सर दूंगा, बस ज्यादा नहीं दो, एक और सर दूंगा वो मिट्टी से दे दूंगा, तो उसी के बाद मैं करूंगा लेपाई। तो उधर से जाते हैं बैर से, जल्दी जल्दी ईटे उठा के आते हैं। और मैंने समझा कि मैं मुर्गियों का इतना ही करता हूँ, क्योंकि अगर मुर्गा खड़ा रहेगा पैर भी मतलब ऊपर छत पे, उसका मतलब सर वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन हमारे बहन भाई ये कह रहे थे कि आपन थोड़ा ऊपर कर दें मुर्गियों घर को, तो थोड़ा ऊपर करते हैं, लेकिन ईटे थोड़ी जैसे लगता है कम हो जाएगी, क्योंकि जल्दी जल्दी ईटे भी लेके जाता हूँ। आ जाओ जल्दी जल्दी, ये देखेगा, सोचा कि सीमेंट भिगाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मिट्टी भिगी हुई है तो इसी से काम चलाते हैं। तो इस तरह का जल्दी जल्दी मैं ईटे लेके जाता हूँ। आ जा, अब सही है, इतनी मैं लेके जाता हूँ, पैर आता हूँ दूसरी लेके जाता हूँ। सो इतनी ईटे मैं लेके आया हूँ, तो अब मैं तगारी में डालता हूँ मिट्टी। तो ये मतलब भूसे के बगैर मतलब मैं उस सारी दूंगा तो उसी में आएगी, तो उसी के बाद मैं भूसा डालूंगा। अभी वाली जो मिट्टी है वो ऐसे सूखी चाहिए, तो ये ना मैं थोड़ी सख्त ना ये लेके जाऊंगा, क्योंकि उस सारी ऐसी मिट्टी जाती है, ये मैं पहले मिक्स करता हूँ, तो उसी बाद मैं लेके जाता हूँ। इस तरह का अभी मैं मिट्टी को मिक्स कर रहा हूँ, इधर से पानी उठा रहा हूँ, इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क के, तो इसी तरह मिक्स करके उधर डालेंगे। ये देखें गैस, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, हाथ में गैस तेज़ चला रहा हूँ, तेज़ इसीलिए हाथ चला रहा हूँ कि गैस धूप ज़्यादा हो गई है, तो मैं कहता हूँ जल्दी जल्दी काम को ख़त्म कर दूँ। सुबह सवेरे ना गैस पहले मैं काम पे लग जाता हूँ, आज थोड़ा बहुत मतलब तबीयत सही नहीं थी, तो उस वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो कोई बात नहीं है, अभी टाइम पड़ा है तो कर लेंगे, मुश्किल नहीं है इतना हमारे लिए ये काम। मुझे जो काम मुश्किल लगता है ना वो भराई वाला लगता है, रेत उठा के दूसरी जगह पे डालना वो मुश्किल, बाकी ये वाला काम मुझे इतना मुश्किल नहीं लगता। काम जो करने वाला होता है ना वो मिट्टी वाला होता है, मिट्टी वाला काम बहुत अच्छा लगता है, दिल भी करता है काम करने को, बाकी ये भराई वगैरह वाला है ये बड़ा मुसीबत है, इस पर दिल नहीं करता बंदा काम करे। सो एक तकरी में लेके आया हूँ, तो अब मैं ऑफर करता हूँ स्टार, तो उसी बात करूँगा लेपा स्टार। बड़ी नहीं ये मैं उठा देता हूँ, इस तरफ नीचे रख देता हूँ, तो ईटे में लेके आया हूँ गाइस, तो इस तरह ना भी आ जाए इधर आप भी। तो ये मिट्टी पड़ी गाइस, ये इसके ऊपर बिछाएंगे इसी तरह गाइस, मिट्टी बिछाएंगे तो उसके ऊपर ईंट डालते आएंगे, इस तरह ईंटें डालते हैं। ये देखें गाइस, तो ये सूखी हुई ईंटें डलेगी, जो मिट्टी जो सारी देते हैं ना उस पर मतलब ईंटें सूखी हुई डलती है, तो घर बनाते हैं ना वो भी ऐसे बनाते हैं गाइस, तो इन चीज़ों का मुझे पता है। तो अभी ना ये ईंटें इस तरह डाल रहा हूँ, तो अब ना गाइस मुर्गियों का इतना बड़ा होगा, तो आप अब छोटा कहो या बड़ा कहो, तो मुझे अब ये बड़ा लग रहा है। तो मिट्टी को अभी मुझे थोड़ी बहुत गीली करनी थी, लेकिन ये वाली तगड़ी डालते हैं तो सीवा गीला करेंगे, तो मिट्टी थोड़ी गाइस सख्त है, मैंने सोचा कि काम चलाते हैं लेकिन नहीं चल रहा, तो इधर से पानी डालते हैं थोड़ा सा, तो उसके ऊपर पानी डाल के गीला करके, तो उसी बात देते हैं उस सारी। अब पानी मैंने डाल दिया, तो इधर से मैं देख रहा हूँ कहीं टेढ़ी शेढ़ी है ना ईंट, उसी को मैं सीधा कर रहा हूँ। ये देखें गाइस, तो अब ना सही गाइस, अब थोड़ी मतलब गीली करता आऊँगा और डालता आऊँगा इस तरह। ये देखें गाइस, माशाल्लाह बहुत अच्छे से काम हो रहा है। तो गाइस आप कमेंट सेक्शन में अब ज़रूर बताना कि अब मुर्गियों घर आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, मतलब बड़ा हो गया है कि नहीं। मेन जो हथियार है वो हो गया है ख़राब, ये देखें गाइस मिट्टी में, ख़राब नहीं मिट्टी में, तो दूसरे हाथ से ना अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये, तो थोड़ा ना उल्टा उल्टा मैं देखने में आ रहा हूँ। ये देखें गाइस माशाल्लाह आधे से ज़्यादा काम निकल गया है ऊपर सारी वाला, सिर्फ पाँच छः ना इधर ईंटें डलेगी, पाँच छः इधर, पाँच छः इधर, तो एक तकरीब गाइस माशाल्लाह अच्छा खासा काम निकल गया है। अभी इधर से ना मैं पैर से मिट्टी उठाता हूँ, तो ये लेपाई काम की नहीं है, मतलब थोड़ी सख्त भी है, तो ये वाली इधर ओसारी में डाल देते हैं, तो इधर से देखें गाइस थोड़ी थोड़ी भिगी भी नहीं है कहीं कहीं, तो इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालता हूँ। ये देखें गाइस इस तरह बीच वाली जो मिट्टी है ना ये बिल्कुल गल के अच्छे से सेट हो गई है, तो लेपाई की मतलब काम की हो गई है अच्छे से। अगर ज़्यादा सख्त देखने में आएगी ना तो उसके ऊपर मैं पैर से पानी डाल दूंगा, तो ये नरम हो जाए, इसमें नरम चाहिए लेकिन इतनी ज़्यादा नरम नहीं चाहिए, लेकिन लेपाई में बिल्कुल पतली मिट्टी होनी चाहिए। तो इसी तरह का अभी मैं काम कर रहा हूँ, वो इधर रहते ज़्यादा, इधर आ जाओ आप, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ।
चला कितना प्यारा वो खूबसूरत देखने में आ रहा है। मैंने साड़ी निकाल दी है, अब वो साड़ी निकालूंगा तो उसी गोल और बहुत अच्छा देखने में आएगा। ये देखा अपने कहा मैंने मिट्टी इधर डाल दी है, तो ये वाली अभी वो सारी रहती है ना, ये पाँच छः ईट ये डाल देता हूँ तो उसी बात ये वाली रहेगी, तो ये दूंगा तो उसी बात वो सारी नहीं देंगे तो उसी बात साइडों में करेंगे ले पाई। इस उसी मिट्टी में भूसा मिक्स करके मैंने पतली कर दी है क्योंकि वो ये मैंने इधर डाल दिया। चलो सही, अभी इधर एक दो ईट डालते हैं तो उसी बात उधर डालेंगे। ये पतली है ये कम चाहिए, मैंने सख्त की थी तो सख्त में मतलब ज़्यादा मिट्टी लग रही थी, मैंने कहा ज़्यादा मिट्टी डालूंगा तो पता नहीं कि ये मिट्टी ख़त्म ना हो जाए, फिर दूसरी बार भिगानी पड़ेगी। इधर बैठ जा, इधर सही है, और ये थोड़ी टेढ़ी है तो इधर मिट्टी डालनी पड़ेगी। आप भी इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, अब सही हो जाओगी मुझे ऐसा लगता है। हाँ अब सही हो गई, आप आ जाओ इधर, क्या देख रही हो, इधर बैठ जाओ। ओए इधर तो है नहीं, मिट्टी और डालनी पड़ेगी गाइस, आ जा आ जा। तो गाइस माशाल्लाह आपने मेरा हाथ थोड़ा तेज़ चल रहा है, तकरीबन छः तो आधी वो साढ़े छः ईटें मैं लेके आता हूँ इधर से, इधर पड़ी ईटें तो ये वाली मैं इसलिए नहीं उठा रहा था, मैंने ये कुओं की साइडों में डालेंगे तो ये नज़दीक पड़ी है तो ये रहने थे तो उस वजह से, लेकिन अब छः साढ़े छः ईटें ये उठा लेते हैं। है कि नहीं, हाँ एक साबित भी मिल गई गाइस, ये नहीं ये वाली ईटें गाइस को कहते हैं खंगर, ये किसी काम की नहीं होती, ये मेरे ख्याल से सही है। हाँ सही है, बस काम चल जाएगा, आप भी आगे जाओ। और कोने 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 इसी ईट को लेके जाते हैं, इधर डाल देते हैं इधर बीच में, आप बैठ जाओ इधर। हाँ अब सही है, अब ये पाँच छः मैंने निकाल दी ये लेके जाता हूँ। सो जैसे वो सारी मैंने कंप्लीट कर दी, ऊपर वाली जो एक सारी रहती थी, तो अब माशाल्लाह बहुत बड़ा और अच्छा घर देखने में आ रहा है मुर्गियों का, तो अब मैं लेपाई करूँगा तो पैर आप देखना कितना प्यारा और अच्छा देखने में आता है, तो इसी के ऊपर भी थोड़ा बहुत डिज़ाइन बनाएंगे क्योंकि मुर्गे भी हमें काफ़ी प्यारे हैं। तो इधर से अब उठाते हैं चारा, अब ये कहाँ से खुलेगा, इसका मुँह तो उस तरफ है। ऐसे वो चारन मैंने उठा लिया है, तो अब मैं इसको करता हूँ मिक्स, तो एक एक तगारी मिक्स करता आऊँगा दो दो, तो वो डाल के फिर मतलब भूसा लेके आऊँगा तो मिक्स करूँगा। तो इधर फेंक देते हैं, ये एक तगारी बहुत हो जाएगी। पानी भी डाल देते हैं गाइस, और अब मैं करता हूँ मिक्स गाइस इसी तरह। ये देखा वो माशाल्लाह बहुत अच्छी मिट्टी हो गई है अंदर से, ये देखा पतली बिल्कुल, और अभी बेस थोड़ी बहुत मतलब सख्त होगी तो उसके ऊपर पानी डालेंगे। ये देखें माशाल्लाह गाइस लेपाई बहुत अच्छी हो जाएगी, ये अभी मिट्टी ऐसी हो गई है वो काली मिट्टी थी ना उस तरह की गाइस, तो इसको मैं एक दिन छोड़ूंगा ना पैर तो बिल्कुल पत्थर हो जाएगी। हाथ पे ले पाएंगे गाइस, मैं बहुत जल्दी कर लेता हूँ, मैं एक फुल तगारी मिक्स करूँगा तो उसी बाद मैं लेके जाऊँगा। तो तगारी को मैंने फुल कर दिया, अब मैं लेके जा रहा हूँ, ओए हाथ स्लिप हो जाता, आ जा आ जा आ जा आ जा। हाँ अब इधर बैठो, मैं आपका बंदोबस्त करता हूँ, आपका आज इधर काम नहीं है, साइड पर हो जाओ। हाँ अब सही है, उधर लेपाई को करते हैं स्टार्ट। ये देंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रही है, तो इसके ऊपर दूसरी लेपाई कर देंगे हमारे से। ये पहली लेपाई ना इसी में मतलब खड़े खुबे ना मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो दूसरी जो लेपाई करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा मिट्टी नहीं चाहिए, तो सिर्फ प्रेस करनी है दीवार को, इसी घर को बहुत खूबसूरत करना जैसे हमने अपने घर को खूबसूरत किया है। ये मुर्गे भी हमारा मतलब हिस्सा है, फैमिली का हिस्सा है, तो मतलब इनका घर मतलब मैं कहता हूँ कि अच्छा हो, इसके घर में कोई कमी पेशी ना हो। सोच रहा हूँ कि अंदर की तरफ करूँ क्योंकि पेन थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, हाँ ऐसे लगता है। पहले क्या कहता हूँ मैं अंदर की तरफ, तो उसी बार मैं करूँगा बाहर की तरफ लिपाई। आजा आजा जल्दी जल्दी, थोड़ा आस्ते आस्ते चलाओ तो काम चलेगा, वरना मुझे ऐसे लगता है कि रात इधर हो जाएगी। ओए आप आ गए, आपका घर बन रहा है, और खुशी हो रही है कि नहीं, आपको भी खुशी हो रही है, उसी को ज़्यादा खुशी हो रही है दूर खड़ा है। इधर क्या कर रही है, नुकसान करोगे पैर में, घर नहीं बना दूंगा आपको कह रहा हूँ, मैं घर नहीं बनाता, छोड़ छोड़। अरे निकल जाओ उधर, क्या कर रहे हो, तो इतनी मिट्टी रह गई है, अभी तक मैं काम कर रहा हूँ तो अभी पानी ख़त्म हो गया है, तो अब गोरी कर रही कपड़े धुलाई, तो इधर से मैं पानी लेके आता हूँ। इधर मारे पे लेपाई करनी है मुर्गियों घर को, कर लोगी ना? नहीं, आप समझो, आप समझा करो, मुर्गी अंडे खाते हैं वो, अच्छा हाँ तंदला बेटी खाती है, आप खाते हैं गोश्त भी खाएंगे, तो करके दोगी? हाँ जी। तो अभी यार गोरी कह रही है मैं करके दूंगी, तो आपने कहा कमेंट कर रहे थे कि फर्श ने पक्का बना के दे दो, बोले आपको फर्श पक्का बना के दूंगा, सही है ना? हाँ जी बना दो। बना अभी नहीं बनाता, टाइम लगे, अभी मुर्गियों घर को बना रहा हूँ। हमारे व्यूवर्स कह रहे बुरी जोर से नहीं डालो, कपड़े ना खराब हो जाएंगे। मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जो व्यूवर्स है ना वो ऐसे कपड़े धुलाई करते हैं बाल्टी में ना तरफ डाल के छोड़ देते हैं दो तीन घंटे, सही है? उसी बाद थोड़ा बुरिश मारते हैं, ऐसे करते हैं, आप ऐसे किया करें, ऐसे सही नहीं है। आपने कहा कमेंट कर रहे थे वॉशरूम का आगे ना आप गोरी को फर्श बना के दे कपड़े धुलाई करने के लिए, तो इधर किधर ना मैं बना के दूंगा, तो अपने आपको इसमें दिखाता हूँ कितनी लेपाई हुई कितनी नहीं। माशाल्लाह ये देखिए आगे की साइड आपको अभी से देखने में आ रही है कि कंप्लीट हो गई है, लेकिन अब मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, इसके ऊपर मैं पानी डाल दूँ इधर से लेकर गए ऐसे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ इतने तक, ये लेपाई हो गई है।
अंदर ये वाली लेपाई हो गई है, ये लेपाई इधर हो गई है, तो ये भी अब ये वाली साइड रहती है गाइस, ये वाली साइड रहती है, 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 ये वाली साइड रहती है। अब पीछे वाली साइड है ना वो मजबूत है दीवार, तो पीछे वाली साइड पे लेपाई नहीं करते। सो इधर से ना अभी मैं मिक्स कर रहा हूँ मिट्टी को, ये तकरीबन कोई डेढ़ तगारी या दो तगारी होगी तो ये डाल देते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि लेपाई कंप्लीट हो जाएगी, कोई मतलब आधी तगारी रहेगी। तो कल मैं छत को मतलब बंद करूँगा ना, तो मैं उसके साथ ना मतलब एक तगारी जो डलेगी ना वो डाल दूँगा। काम भी आज अच्छा खासा निकल आए, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो अब ना मेरा दिल करता है कि मैं थोड़ा बहुत सो जाऊँ, थोड़ा कैसे मैं तंग हो गया हूँ। वो वजह ये थी कि सुबह वाले टाइम ठंड में मैंने काम किया नहीं, तो थोड़ा धूप निकल गए, तो उसी के बाद मैंने काम किया है, तो अब ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो माशाल्लाह काम ना अच्छा खासा निकल गया है, अब ना आपको मैं दिखाता हूँ काम कितना निकला है। तो अब कल के लिए थोड़ा सा रह गया है, आज अगर मैं सुबह लगता तो ये मैं काम सारा निकाल देता, लेकिन आज थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो उस वजह से काम मतलब अच्छे से नहीं निकल पाया। तो इंशाल्लाह कल वाला ये काम निकाल देंगे, कुएं का भी थोड़ा बहुत काम करेंगे। ये वाली दीवार रहती है, ये वाली दीवार रहती है, दो रहती है, ये वाली दीवार भी हो गई है, तो सोच रहा हूँ पीछे भी लेपाई कल कर दूंगा। तो माशाल्लाह अब ना मुर्गियों का घर बहुत अच्छा लग रहा है, टिकड़े पेड़ का सारे को इस तरफ करना है। अबिन का रस्सी पड़ी है, गौरी बार बार कह रही है रस्सी बांध के दे, रस्सी बांध के दे, अभी इतने तक रस्सी थी नहीं, तो अब आ गई है, तो अब बार बार गौरी कह रही है। हाँ गौरी रस्सी बांध के दो। तो अबिन का गौरी को रस्सी बांध के देते हैं, इधर बांध देता हूँ, सही गौरी इधर इधर सही है इधर तक। सो रस्सी मैंने डाल दी है, ये इतनी बच गई है, तो गौरी कह रही इतनी सही है, तो तकरीबन कोई 5-6-7 सूट ने एक साथ मतलब सूख जाएंगे तो सही है। तो ये ना एक गाय सहूलत हो गई है गोरी की, तो अब गोरी की मैं फर्श बना दूंगा कपड़े धुलाई करने के लिए। इतनी लकड़ी मैंने निकाल दी है, तो अपने गाय में लेके जाता हूँ, ये हाथ नहीं गाय हथौड़े, तो ये हाथ नहीं है कुल्हाड़ी है। सो लकड़ी में लेके आया हूँ, तो अब गोरी बना रही मीठा पानी, गोरी चीनी डाल दी, ये जामशीरी डालती हो, ये थोड़ी सी डालना, ज्यादा मीठा हो जाता है नहीं। तो टमाटर गाय लेके आई, हरी मिर्च लेके आई, गोरी क्या चावल पकाती हो? तो आज गाय चावल वो छोड़ दिए थे आधे किलो से तकरीबन पाव, तो वो पाव बनाए हम दो हैं तो हमारे लिए बहुत हो जाएंगे। तो तन्नु बेटी सो क्यूट गुड़िया, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, आपके बाल अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे करके आपको अब्बू सेट करवा देता है हाथ से, सही है अब्बू सेट करवा देता है क्यूट से गुड़िया। क्या क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बा समझ रहा है आपको अब समझ में आती है उर्दू है ना। माशाल्लाह ये देखा बहुत अच्छी शरबत बन गई है रूफजा की। सुबह अपने गोरी बना रही है चावल, टमाटर काट दिए, आलू काट दिए, तो अपने प्याज से गोरी लहसुन है प्याज से, सुबह एक आलू पड़ा था वो भी डाल दिया है, तो आलू टमाटर सारे कुछ, तो ये थोड़ा मतलब मसाला सेट हो जाए, तो उसी बार आज मुर्गी तो है नहीं, चावल डालेंगे गोरी, चावल नहीं पानी डाल के, तो पानी उबल जाएगा, तो उसी के ऊपर हम डालेंगे चावल। चावल कैसे अच्छे हो, बाकी अगर मुर्गी नहीं होगी तो टेंशन नहीं, नहीं गोरी क्योंकि चावल अच्छे होते हैं तो जायका मतलब अच्छा हो जाता है। क्या चावल थे, चावल अभी टाइम लगेगा, अभी तैयार नहीं हुए, अभी तैयार नहीं हुए। ओए ये मुझे मारती हो क्या, अबू को मारती हो, ओए आप कहाँ गुम शुम हो, देखने में यार आजकल बिजी हो आजकल, मुझे ऐसे लगता है इधर आती भी नहीं हो, ये बेवफाई नहीं किया करें ऐसे। सो इस टाइम शाम के बज रहे हैं 6, तो अब मैं जा रहा हूँ नीचे शॉप पे, तो वहाँ से मैं दूध लेके आऊँगा 30 रुपये का, तो आ जाऊँगा वापसी, तो आधे घंटे में मुझे ऐसे लगता है वापसी पहुँच जाऊँगा। तो आज मैं शहर नहीं गया, वरना कभी कभार मैं शहर जाता हूँ तो वहाँ से दूध लेके आता हूँ, लेकिन दूध लाजमी हो जाता है क्योंकि शाम को ना हमें प्यास ज़्यादा लगती है। सो अब मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ, टाइम बिल्कुल कम है, अल्लाह करेगा शॉप बंद ना, अगर शॉप बंद होगा ना तो मेरा मतलब आना जाना है फालतू। कुत्ता काटना नहीं, ऐसे कुत्ते होते ना वो बड़े हरामी होते हैं, कुत्ते इतने बड़े गाइस आ गए मुझे ऐसे लगता है काटेंगे। ओए शर्ट ये तो दुकान बंद पड़ा है, ओए अब सिर्फ 15 मिनट रह गए, अब मैं क्या करूँ गाइस, अगर मैं उधर नीचे जाऊँगा तो मुझे ऐसे लगता है कि 15 मिनट में वापसी में नहीं पहुँचूँगा, अगर मैंने थोड़ी स्पीड दे दी तो शायद मैं पहुँच जाऊँ, लेकिन ये है थोड़ा दूर, ओए थोड़ा नहीं लेकिन बहुत दूर है, ये देखिए गाइस 5 मिनट में स्पीड दूंगा तो शायद पहुँच जाऊँगा, तो उधर से लेकर वापसी घर तक मुझे लगता है 10 मिनट में मुश्किल है पहुँचना। सूरज का व्यू देखा काफ़ी अच्छा लगा हुआ है, लेकिन टाइम अभी बिल्कुल है नहीं, मैंने भी ये सोचा, मैंने कहा अभी आया हूँ तो वापसी खाली में ना जाऊँ लेके जाऊँ, तो इधर नीचे ना मतलब मैं दूध लूँगा, तो इधर मुझे लगता है कि बोतल भी मिलती है, तो बर्फ़ आज नहीं लिया तो एक छोटी सी बोतल भी ले लेंगे, तो अभी देखते हैं क्या होता है। 200 रुपये मैंने लिया है गोरी से, फिर अभी मैं बड़ी स्पीड से मैं जा रहा हूँ, 5 मिनट में तो गाइस मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे ऐसे लगता है 10 मिनट में वापसी मुझे लगता है ना पहुंचूं, कोई 1 मिनट मुझे लेट हो जाए, अगर लेट हो गई तो क्या करूंगा, बोतल को ना ऐसे करूंगा रोजान खुल जाएगा, लेकिन स्पीड मेरी बहुत तेज़ हो रही है। ये मार्केट सामने है, आपको अब मेरे ख्याल देखने में आ रही है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा दूँ, ये वाली मार्केट है, तो अब मैं तकरीबन पहुँचने वाला हूँ।
मैंने बोतल ले ली 160 वाली, 40 रुपए मैंने दूध ले लिया। मैं दौड़ दौड़ के आया हूँ और अब अजान हो रही है। गौरी ने रोज़ा इफ्तार कर दिया, मुझे ऐसे लगता है रोज़ा इफ्तार कर दिया क्या? तो हाँ, वो नीचे गया था मार्केट, वहाँ ये ले बोतल भी लेके आया। आप कह रहे थे ना ठंडी ठंडा कोई पानी शानी हो, बोतल लेके आए। सही है ना? सही है, अभी तो मैं रोज़ा इफ्तार कर लिया। इफ्तार अब पी लेना ना, तो इफ्तार वाले टाइम कौन पीता है? खाते हैं चावल बिछाया था, शेड बिछाया था। हाँ जी बिछाया था, दन मिला बेटी ने शरबत उल्टा दी। शरबत? ओए ये शरबत आपने गिराई थी ना बेटी, ऐसा नहीं करो, शरारत करती है, मुझे पता चल गया है। सो अपन से व्लॉग कर देंगे इधर है, क्योंकि अपने हमारा मोबाइल भी थोड़ा कम चार्ज है, तो उस वजह से वीडियो पब्लिक भी करना है, अपलोड भी करना है। तो बस ये व्लॉग कैसा लगे कमेंट से जरूर बताना, नेक्स्ट टाइम हम अच्छे अच्छे व्लॉग बनाए आप दोस्तों को दिखाएंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खैर आप और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपने ख्याल की बाय बाय अल्लाह हाफिज। सो इस तरह के कुछ चावल गोरी ने पका दिए और अब हम कहते हैं बिस्मिल्लाह।